गुजराती खाने में चीज और बटर देख देख कर अगर आप भी परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं गुजरात की सबसे ट्रेडिशनल डिश उम्बाड़ियू। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखी होगी, और इसको बिल्कुल देसी तरीके से बनाया जाता है। बटर और चीज तो छोड़िए, पानी भी यूज नहीं किया जाता इसे बनाने में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, रतालू ले लिया गया है। रतालू है, आलू है, गाजर है, शकरकंदी है, और इसके साथ ही यहाँ पे ग्रीन बीन्स है जिन्हें सूरती पापड़ी बोलते हैं। जितने भी हैं सब काटे जाएंगे, उधर वो रतालू काटे जा रहे हैं। रतालू ये चीज होती है, इसे इंदौर में गराड़ू भी बोलते हैं। तो पहले रतालू काटा जाएगा, आलू और शकरकंदी भी काटी जाएंगी, और एक भी चीज इसमें छीली नहीं जाती है। अब ये जो ग्रीन बीन्स है, सूरती पापड़ी, ये भी इसमें डाल ली गई है, और अब इनमें नमक डाला जा रहा है। और ये जो प्रिपरेशन होती है गाइस, इसमें बिना घी, बिना तेल, बिना पानी के पकाया जाता है। अब देखिए गाइस, इन कटी हुई सब्जियों में मसाला डाला जा रहा है, और ये जो मसाला है ये मेनली बना हुआ है हरी मिर्च और अजवाइन से। और अब देखिए गाइस, इसमें हल्दी डाली जा रही है, और हल्दी डालने के बाद ये सारा मसाला इन वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे से मिलाया जाएगा। और अब देखिए, इसके अंदर कढ़ी पत्ता डाला गया है, और कड़ी पत्ता डालने के बाद अब ये फिर से मिलाया जाएगा सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से। जितना भी ये मसाला है और वेजिटेबल्स है, इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाएगा कि जो मसाला है वो सारी वेजिटेबल्स पर इक्वली लग जाए। आलू को चीर कर चार चिप्स करके उसके अंदर मसाले डाले जा रहे हैं। तो देखिए, आलू को चीर के उसके चार पार्ट करके उसके अंदर भी यही मसाला डाला जा रहा है। और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये हरी पत्तियां जो आपको नजर आ रही होंगी, इन्हें कलार लीव्स बोलते हैं। ये केवल सर्दियों में 3 महीने के लिए उगती हैं, और इन्हीं 3 महीने में उम्बाड़ियू बनाया जाता है, क्योंकि इन कलार लीव्स के बिना उम्बाड़ियू का जो असली स्वाद है वो आता ही नहीं है। तो ये कलार लीव्स ले ली गई है, और ये डाली जा रही है मटके के अंदर। जो उम्बाड़ियू बनता है वो मटके में बनता है। मटके में सब्जियां डालने से पहले जो कलार लीव्स है ये डाली जाती है मटके के चारों तरफ, अंदर ये कलार लीव्स लगाई जाएंगी, उसके बाद इसमें जो सब्जियां हैं वो डाली जाएंगी। तो देखिए, अब जितनी भी काटी हुई सब्जियां थी वो मटके के अंदर डाल दी गई हैं, आलू, शकरकंदी, रतालू, और इसके बाद अब इसमें डाली जाएंगी जो सूरती पापड़ी होती है। जो सूरती पापड़ी है वो भी मटके के अंदर डाल दी गई है, मटका बिल्कुल भर दिया गया है। अब इसके ऊपर मटके को कवर किया जाएगा फिर से ये जो कलार लीव्स होती है उन्हीं से। तो कलार लीव्स से देखिए अच्छे से सील कर दिया है मटके को बिल्कुल, और अब यहां से इस मटके को लेकर जाया जाएगा बाहर खुले में, जहां पे उम्बाड़ियू पकाया जाएगा। और जो उम्बाड़ियों पकाने का तरीका होता है गाइस, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आप देखिएगा, कोई भट्टी यूज नहीं की जाएगी, कोई गैस यूज नहीं की जाएगी, कोई चूल्हा यूज नहीं किया जाएगा इसे पकाने के लिए, बिल्कुल ही देसी तरीके से पकाया जाएगा। और पकाने से पहले भी ये जो मटका है इसके ऊपर लेप लगाया जाएगा, आप देख सकते हैं गीले मिट्टी का लेप लगाया जाएगा। और आप देखिए, कोई ढक्कन नहीं है, पानी भी नहीं डाला है, और पानी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जो कलार है वो तभी उगती है जब सर्दियों में ओस पड़ती है। तो कलार की पत्तियों पर जो सर्दियों की ओस है उसी से वेपर बनेगा, उसी वेपर से जो मटके के अंदर सब्जियां हैं वो स्टीम होकर पक जाएंगी, और ये स्टीम उम्बाड़ियों को एक बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट टेस्ट देती है, जो अगर आप कोई और पत्ती यूज करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखिए, मटके के चारों तरफ अच्छे से लेप लगाया जा चुका है, अब इस मटके को लिया जाएगा और अब इसे पकाया जाएगा। तो पकाने के लिए देखिए, पहले मटके को उल्टा करके रखा जाएगा, बिना किसी ढक्कन के ऐसे ही मटके को उल्टा करके रखा गया है। अब इसके लिए उपले लाए जा रहे हैं, उपले जिसे गांव में गोसे भी बोलते हैं। अब उपले लगाए जाएंगे इसके चारों तरफ, इन उपलों में आग लगाई जाएगी, और इस उपले की आग से जो गर्मी होगी उससे ये पकेगा। और गाइस, अब अगले 1 घंटे तक जो उम्बाड़ियू है उपलों की आग में धीमे धीमे पकेगा, और ये जो मटके के अंदर स्लो कुकिंग होगी इससे भी जो इसका टेस्ट है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। कोई 1 घंटा हो चुका है, और अब देखे जो उम्बाड़ियू है वो अपना पक चुका है, आग बुझ गई है। अब इसे ऊपर से देखिए हल्का सा साफ किया जा रहा है, और जो मटका है बहुत गर्म है अभी भी। अब इस मटके को लेकर आया जाएगा यहाँ से इनकी शॉप पर, जहां से कस्टमर्स को सेल किया जाएगा। तो ये देखिए गाइस, अपना उम्बाड़ियू आ चुका है, इसके ऊपर से जो कलार लीव्स हैं वो हटा के बाहर निकाल ली जाएंगी। उनका काम बस इतना होता है कि मॉइस्चर दें इन वेजिटेबल्स को स्टीम होने के लिए, और अपना हल्का सा अरोमा इसके अंदर छोड़ जाए। तो अब देखिए, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब ये देखिए जो उम्बाड़ियों ये लगाया जा रहा है प्लेट में अपना। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।